दोस्तों इस वक्त YouTube पर कई जाने माने चैनल्स श्री राम द्वारा शंभूक वध को जस्टिफाई करने में लगे हुए हैं। पता नहीं किसके डर से वे हमारे पूजनीय मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को जस्टिफाई कर रहे हैं। इस कारण कई महान जाहिल विचार के लोग श्री राम को कमेंट्स में धड़ल्ले से गालियां बक रहे हैं। खैर वो तो जाहिल है, उन्हें समझना नहीं है। वे सोशल मीडिया पर सनातन समाज को बदनाम करने की मुहिम चलाते हैं। इनमें से कुछ को तो मोटी रकम भी दी जाती है। फिलहाल ये तो एक बहुत बड़ा विषय है। चलिए आज हम उन पर बात करते हैं जो श्री राम और वाल्मीकि रामायण दोनों को ही जस्टिफाई कर रहे हैं। चलिए अब शंभूक पर आते हैं। पहला प्रश्न, क्या शंभूक तपस्या का अधिकारी नहीं था? दोस्तों नारद जी ने श्री राम से क्या कहा था उसका अर्थ समझिए। तपस्या एक ऐसा भक्ति और तेज युक्त कर्म है जो किसी भी चीज के विशेषता जगत के उद्धार के लिए किया जाता है। तब तीन प्रकार के होते हैं, सात्विक राजस तमस, अच्छे हित और मानव प्रेम के उद्देश्य से किया हुआ तप सात्विक होता है। क्षत्रियोचित तेज की प्राप्ति के लिए किया जाने वाला भयंकर तप राजस कहलाता है, और जो दूसरों का नाश करने के लिए एवं अपने शरीर को अस्वाभाविक रूप से कष्ट देते हुए तपस्या की जाती है वह आसुर यानी तामस तप कहा गया है। रावण ने भी अपने शरीर को कष्ट देकर ही आसुर तप किया था, जिससे विवश होकर ब्रह्मा जी ने अमरता छोड़कर उसे सारे वरदान दिए। उसने भी सारे लोकों पर कब्जा करने की कोशिश की, यानी देवताओं पर रूल करने की कोशिश की, जिस कारण श्री राम को जन्म लेना पड़ा। शंभूक को भी देवलोक प्राप्त करना था, ना कि उसे देवलोक में जाकर सेवा आदि कार्य करना था। उसने यह वचन अपने मुख से कहे, अगर वो देवलोक पर अधिकार कर लेता तो फिर किसी अवतार को जन्म लेना पड़ता, इस कारण श्री राम ने उसको उसी वक्त मार दिया। दूसरा प्रश्न, क्या शूद्र वर्ण तपस्या नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है, पर जैसा कि हमने बताया तप का इंटेंशन क्या है। अगर आसुर यानी तामस है तो उसके बुरे परिणाम पूरे समाज को झेलने पड़ेंगे। कलयुग में सभी वर्ण तप कर सकते हैं, क्योंकि कलयुग में सारे वर्ण बराबर हो जाते हैं। शंभूक का इंटेंशन तो गलत था ही, ऊपर से त्रेता युग में ब्राह्मण और क्षत्रियों को ही तप का अधिकार था। अगर शंभूक का इंटेंशन सही होता तो भी वह तप ईश्वरों द्वारा मान्य हो जाता, क्योंकि ऐसे कई उदाहरण हैं जिन्होंने शूद्र जाति में जन्म लेकर भी अपने तपों को साकार किया है, क्योंकि उनके तप लोक कल्याण के लिए थे। वाल्मीकि जी, सुमंत्र, निषाद राज गुह, शबरी, सत्यकाम, नारद मुनि इत्यादि, ये सभी कहीं ना कहीं शूद्र वर्ण में या निम्न जाति में जन्मे थे, फिर भी ये सभी श्री राम के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। दोस्तों शूद्र, दलित या निचली जात, ये सब कलयुग में मनुष्यों का प्रोपोगेंडा है, जिससे उनकी दुकान चलती है और हम जाहिल लोग उसे मान रहे हैं कि ब्राह्मण पूजनीय है और शूद्र अछूत और नीची जात वगैरह वगैरह। तीसरा प्रश्न, क्या त्रेता युग में शूद्र जाति एक निचला वर्ण था? जवाब है नहीं, वर्ण कर्म पर आधारित होता है। महर्षि विश्वामित्र, परशुराम इत्यादि, ये सभी कथाओं में जीवित उदाहरण है जो जन्म से कुछ और अथवा कर्म से कुछ और थे। रावण जन्म से ब्राह्मण था फिर भी मारा गया। राजा बलि का जन्म दैत्य समाज में हुआ, फिर भी उसके आचरण इतने शुद्ध थे कि भगवान विष्णु ने उन्हें पाताल का राज्य सौंप दिया। चारों वर्णों के अपने कार्य थे, पर पुराणों में ये कहीं नहीं लिखा है कि ये वर्ण निचला वर्ण है और ब्राह्मण सबसे ऊंचा। चौथा प्रश्न, क्या शूद्र वर्ण त्रेता युग में तपस्या नहीं कर सकता था? जवाब है हाँ, वैसे शूद्र वर्ण को त्रेता युग में तप का अधिकार नहीं था, फिर भी शूद्र द्वारा किया गया तप अगर लोक कल्याण के लिए होगा तो वह उस युग में भी मान्य होगा। इसमें वाल्मीकि जी और शबरी एक उदाहरण है। अब बात करते हैं रामायण को जस्टिफाई करने वालों की। वे लोग शंभूक वध की पूरी प्रक्रिया को समझाने की बजाय इस बात पर जोर देना ज्यादा सही समझ रहे हैं कि उत्तरकांड वाल्मीकि रामायण का हिस्सा नहीं है, ये शंभूक वध बाद में मिलाया गया है हमें और श्री राम को बदनाम करने के लिए। ठीक है, मानते हैं कि उत्तरकांड बाद में जोड़ दिया गया, पर इसमें कोई भी कथा पैगंबर मोहम्मद या जीजस की नहीं है, वे सभी रामायण से जुड़ी हुई कथाएं ही हैं।
मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि इस संसार में किसी भी जाहिल समाज में इतनी अक्कल नहीं है कि वो हमारी कथाओं में हेर फेर कर सके या मिलावट कर सके। उसके लिए उच्च स्तर का दिमाग चाहिए जो सिर्फ वेद व्यास जी के पास है, जाहिलों के पास नहीं। हाँ, वो शब्दों में मिलावट कर सकते हैं, किसी की व्याख्या करने में मिलावट कर सकते हैं, बस इससे ज्यादा नहीं। रामायण का ये हिस्सा पद्म पुराण के सृष्टि खंड में भी मिलता है और शंबुक वध को कारगर बनाने में कहीं ना कहीं सभी देवता और अगस्त्य मुनि भी शामिल थे। वे सभी जानते थे कि शंबुक लोकाचार के विरुद्ध कार्य कर रहा है। दोस्तों, एक राजा को या कानून में गलत काम के लिए सजा देना जाति या वर्ण पर निर्भर नहीं करता। सजा का प्रावधान उसी के लिए है जो गलत करता है, और राजा होने के नाते श्री राम का उसे सजा देना जरूरी था, वरना देवलोक की व्यवस्था बिगड़ जाती। दोस्तों, वैसे तो यह वीडियो उन दोनों समाज के लिए है, एक जो सनातन संस्कृति को अच्छी तरह समझते हैं और उनका पालन करते हैं, और दूसरा जो जाहिल वर्ग है। मैं ये बात लगभग अपने हर तीसरे एपिसोड में कहता हूँ कि सनातन धर्म में किसी भगवान एवं देवता द्वारा या किसी राक्षस एवं असुर द्वारा किया गया कोई भी कार्य अकारण नहीं होता। वे सभी कार्य हमारी लोक शिक्षा के लिए ही होते हैं कि किस प्रकार हम आज इस आधुनिक युग में इनसे शिक्षा लेकर अपना जीवन सरल और शुद्ध तरीके से जी सकें। चलिए अब आते हैं मुद्दे पर। कलयुग में सारे वर्णों को बराबर का अधिकार हो जाता है, ये रामायण और पुराणों में लिखित में सिद्ध हो चुका है, इस पर बहस नहीं हो सकती। फिर भी कलयुग में भारत के लोग जातियों का खेल खेलते आए हैं और हर लोग अपने सम्मान और फायदे के लिए इसका समर्थन भी करते हैं। भारत में आज भी कई तुच्छ पॉलिटिकल पार्टियां जातियों का ही मुद्दा बनाती हैं सिर्फ अपने फायदे के लिए, और उस वर्ण के व्यक्ति भी उन पार्टियों का साथ देते हैं फायदे के लिए, जिससे हम वर्णों में एकता नहीं बन पाती और हम एक दूसरे को बराबर नहीं समझते। सुनने और समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।